सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर स्वागत है। आज फिर से हम दोस्तों आप लोगों के लिए जो भी करंट से रिलेटेड जितने भी आपके पॉइंट्स बनते हैं वो सभी लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, वक्त ना खराब करते हुए आते हैं, देखते हैं क्या है आज के हमारे पॉइंट्स। तो पहले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं हम कि हमारा पहला पॉइंट्स क्या है। दोस्तों पहला पॉइंट्स है, अरब लीग को सीरिया ने हाल ही में ज्वाइन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि अरब लीग में 22 देश आते हैं और इन 22 देशों में सीरिया को 2011 में हटा दिया गया था अरब लीग से, लेकिन अब फिर सीरिया को दोबारे से अरब लीग में शामिल कर लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा आ सकता है कि अरब लीग में कौन सा ऐसा देश है जिसे पहले हटाकर दोबारे से शामिल कर लिया गया है, तो वो है सीरिया। ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा, अगला पॉइंट है, बड़े शहरों में वेस्ट को यूज करने के लिए ट्रिपल आर बनाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, बड़े जो शहर हैं उनमें कूड़े का सबसे बड़ी संकट पैदा हो रखी है, क्योंकि कूड़े की वजह से बहुत सारी बीमारियां बन रही हैं। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई चीज बनाई है, ट्रिपल आर, जिसका मतलब है रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज। उसको रिड्यूस करना, रिसाइकल करना और फिर दोबारा से रीयूज करना। इसके लिए क्या करेंगे, शहरों में एक वन स्टॉप सेंटर्स बनाए जाएंगे, जहां पर सारा वेस्ट जो है वो इकट्ठा कर लिया जाएगा, फिर उसको रिड्यूस किया जाएगा, रिसाइकल किया जाएगा, आफ्टर देन रीयूज के लिए दोबारा वो काम में आ सकता है। इससे क्या है, प्रदूषण भी कम होगा, जो पोल्यूशन हो रहा है वो भी कम होगा, बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे मच्छर पैदा हो जाते हैं और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, वो सारी की सारी उनसे हमें बचा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक बड़े शहर में सेंटर्स बनाए जाएंगे, उन सेंटरों में अगर चाहते हैं लोग बाग तो वो खुद जैसे वेस्ट कपड़े हैं, वेस्टेज है, वो सारी चीजें वहां पे जाके रख सकते हैं। या फिर जैसे शहरों में आप लोगों को पता है नगर निगम के द्वारा कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां आती हैं, तो उनको इस काम में सेट किया जाएगा, लगाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है, भारत ने 38,534 करोड़ का बासमती चावल बेचा। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जरूरी है, किस लिए है, क्योंकि 38,524 करोड़ रुपए का बासमती राइस इस बार बिका है और पिछले सर्वे के अनुसार 12,109 करोड़ रुपए का बिका था। तो दोस्तों भारत तरक्की करता जा रहा है एक्सपोर्ट में। भारत ने इस बार 38,524 करोड़ का बेका है और पहले कितने का बेका था दोस्तों, पिछले सर्वे के अनुसार 12,109 करोड़ रुपए का। तो याद रखना है कि भारत ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस खाद्यान्न का किया है, किस खाने के सामान का किया है, तो वो है हमारा चावल बासमती। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो फिर भी ये 3 गुना ज्यादा कर दिया इन्होंने। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है यूजीसी का नाम उत्साह पोर्टल रखा गया है। आ सकता है क्वेश्चन है कि यूजीसी का नाम उत्साह पोर्टल, कौन सा पोर्टल रखा गया है इसका नाम, तो उत्साह पोर्टल रखा गया है। किसकी वजह से, 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई थी उसकी वजह से इसका नाम उसके तहत चेंज किया गया है। इस पोर्टल पर नई शिक्षा नीति से संबंधित सभी बातें देखी जा सकती हैं। जो उत्साह पोर्टल इसका नाम रखा गया है, तो आपको नई शिक्षा नीति जो आई थी 2020 में उससे रिलेटेड या अन्य और भी शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उन सभी को आप इस पोर्टल पर सर्च मारकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। याद रखना है यूजीसी का नया नाम क्या रखा गया, उत्साह पोर्टल। आगे चलते हैं, आगे का पॉइंट क्या कहता है हमारा, राजस्थान में झुंझुनू में एक मशीन रोवर याद रखना है दोस्तों, ये बनाया गया है राजस्थान में ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को नासा ने प्रोजेक्ट ऑफ द एशिया के नाम से जाना है, ये हमें पता होना चाहिए। और किसने बनाया है, बिट्स पिलानी, कहां की है ये, राजस्थान की, और यहां के स्टूडेंट्स ने रोवर बनाया है। देखिए ये है रोवर, इस रोवर का काम होगा मून पे और मार्स पे, जो भी साइंटिस्ट जाएंगे, नासा के साइंटिस्ट जो भी जाएंगे तो वो इसका यूज करेंगे। इसमें बैठने के लिए 2 सवारियां हैं दोस्तों, और ये सेम ऐसे ही चलेगा जैसे साइकिल चलती है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि ये तो नॉर्मल साइकिल की तरह लग रहा है, लग तो रहा है दोस्तों, लेकिन किसी अदर प्लेनेट पे जाके साइकिल को आप चलाओ और फिर इस रोवर को चलाओ तो पता लगेगा। ठीक है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, ग्रेविटी इसकी सारी वो सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है कि मून पे ले जाओ या मार्स पे ले जाओ। ठीक है दोस्तों, तो हमें याद रखना है बिट्स पिलानी जो राजस्थान में है, तो एक मशीन रोवर को बनाया है जिसे नासा ने क्या बोला है, प्रोजेक्ट ऑफ द एशिया,
के नाम से इसे माना है, ठीक है। और नासा इसका यूज करेगा कहां, जब मून और मार्स पर जाएगा दोबारा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि नासा जो है स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, उसके साथ मिलकर सैटर्न पे भी जाने के लिए मिशन बना रहा है। और दूसरा मैंने बोला था 2025 तक एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसका मिशन है 2025 तक मून पर आदमियों को भेजा जाए, तो ये भी हमें याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट है पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा को सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड मिला है। क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है कि किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान मिला है, तो ये है दोस्तों पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, जिसको सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो यह आपको याद रखना है पारादीप बंदरगाह। आगे चलते हैं, कहां है ये दोस्तों, ये है उड़ीसा में। अगली तरफ देखते हैं, अगली तरफ क्या है दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 आयोजित हुआ था। नौसेना अभ्यास और भी देशों के साथ हुआ है दोस्तों, तो हमें वो सारे याद करने हैं, सारे देखने हैं। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो नौसेना अभ्यास हुआ था वो किस कौन सा था, उसका नाम क्या था, समुद्र शक्ति, क्वेश्चन आ सकता है आपका। दूसरा है फ्रांस के साथ जो अभ्यास हुआ था उसका नाम क्या था, पहला जो हुआ था उसका नाम शक्ति, दूसरे का नाम वरुण और तीसरे का नाम गरुण। फिर है अमेरिका के साथ जो युद्ध अभ्यास हुआ था उसका नाम है संगम वज्र प्रहार कॉप इंडिया, ठीक है। और फिर है दोस्तों युद्धाभ्यास टाइगर ट्रैप, मतलब चार अमेरिका के साथ हुए हैं अभी तक, फ्रांस के साथ में हुए हैं तीन, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन के साथ कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था, यह है अजय वॉरियर और कोंकण, तो ये हमें याद रखना है, कोंकण आ सकता है ब्रिटेन के साथ जो हुआ है। और आप लोगों को पता है अभी न्यूज में बड़ी सुर्खियों में चल रहा है कि जो इंग्लैंड में हमारा कोहिनूर हीरा है उस हीरे से रिलेटेड बहुत सारी बातें चल रही है, और वहां के न्यूज एंकर जो हैं वो नई नई बातें बोल रहे हैं कि इंडिया अपने कोहिनूर को वापस मांगना चाह रही है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडिया की तरफ से ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस बात को उठा रहे हैं कि ये लोग अपनी एक कमेटी बनाने की तैयारी में लग रहे हैं जिसके द्वारा ये हमसे कोहिनूर मांगेंगे। तो उसके विषय में स्टैटिक तौर पर मैं आपको बताऊंगा कोहिनूर से रिलेटेड कि कहां पर यह हुआ था, किस किस के पास गया, इसका नाम किसने कोहिनूर रखा या इसने किसका नाम क्या रखा, ठीक है, आगे देखेंगे वो। तो यहां पे चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो याद रखना है हमें भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है समुद्र शक्ति, और मैंने लिख रखे और देशों के साथ जो जो हुए हैं, क्वेश्चन अच्छा है, आएगा और आना भी चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट है देखो कोहिनूर वाला ही जो मैं आप लोगों को बता रहा था वही है। तो कोहिनूर 1310 में काकतीय डायनेस्टी के पास था, किसके पास था, काकतीय डायनेस्टी के पास था, और कहा जाता है कि इस डायनेस्टी ने जो हिंदुओं के मंदिर थे उसमें एक देवी थी, देवी की आंख में ये हीरा लगाया था, जिसको बाद में उसके बाद खिलजी डायनेस्टी के पास चला गया, उन्होंने ये हीरा उस देवी की आंख से निकाल लिया, तो खिलजी डायनेस्टी के पास आया। खिलजी डायनेस्टी के पास से दोस्तों ये गया दिल्ली सल्तनत के पास, उसके बाद 1526 में बाबर के पास गया। देखो पहले काकतीय डायनेस्टी, फिर खिलजी, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर बाबर के पास गया। और याद रखना है कि बाबर ने इसका नाम क्या रखा था, डायमंड ऑफ बाबर, ध्यान रखना, डायमंड ऑफ बाबर किसको कहते हैं, कोहिनूर हीरो को कहते हैं, और ये नाम भी बाबर ने ही रखा था, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद मुगल के पास था, बाबर के पास किसके पास गया, मुगल के पास। 1739 में पर्शियन रूलर नादिर शाह, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि नादिर शाह से लास्ट का जो रूलर था वो नादिर शाह था जिसके पास कोहिनूर हीरा देखा गया था। तो मैं इसका पूरा इतिहास लेके चला हूं कि 1310 में काकतीय डायनेस्टी के पास था, उसके बाद ये खिलजी, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, उसके बाद फिर बाबर के पास, बाबर ने इसका नाम डायमंड ऑफ बाबर रख दिया, उसके बाद मुगल के पास था, और 1739 में जाके ये किसके पास मिला, नादिर शाह के पास, ठीक है। नादिर शाह किसी कारण से उससे नादिर शाह जो था वो बीमार पड़ गया, जिस कारण से वो अपने एरिया में चला गया जहां पे उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद जो उसका पोता था, उसके पोते का नाम था दोस्तों
सुजा शाह, पोते का नाम था उसका सुजा शाह, तो ये डायमंड जो था सुजा शाह को मिला। लेकिन सुजा शाह के साथ भी क्या हुआ, सुजा शाह के साथ दिक्कतें होने लगी, उसको चारों तरफ से घेर के मारने की कोशिश हुई, तो वो तभी भारत के पंजाब एरिया में जा पहुंचा। और पंजाब एरिया में कौन राजा थे हमारे उस टाइम, हमारे जो राजा थे उनका नाम था राजा रणजीत। तो राजा रणजीत जी के पास वो पहुंचा, उसने अपनी बचाव के लिए बोला और राजा रणजीत जी ने उसका बचाव किया, जिस कारण उसने कोहिनूर हीरा राजा रणजीत सिंह को दे दिया। तो नादिर शाह लास्ट रूलर नहीं था जिसके पास कोहिनूर हीरा था, राजा रणजीत सिंह लास्ट रूलर थे जिनके पास कोहिनूर हीरा था। उसके बाद फिर युद्ध हुआ अंग्रेजों के बीच, डलहौजी के टाइम पे युद्ध हुआ अंग्रेजों और राजा रणजीत सिंह के पास, द्वितीय आंगल सिख युद्ध जिसको आप बोलते हैं वो युद्ध हुआ। और उसके बाद अंग्रेजों ने 1849 में उसे राजा रणजीत सिंह जी से छीन लिया और 1950 में वो उसे इंग्लैंड पहुंचा दिया गया। ठीक है, तो ये है कोहिनूर हीरे का इतिहास। और कोहिनूर हीरे का जो मतलब था, जो कोहिनूर का जो मतलब था, और हां एक चीज और नाम याद रखना है दोस्तों कि डायमंड ऑफ बाबर बाबर ने रखा, और कोहिनूर नाम पहले इसका नाम कुछ नहीं था, काकतीय डायनेस्टी में भी इसका नाम नहीं था, ध्यान रखना, काकतीय डायनेस्टी में भी इसका नाम नहीं था, खिलजी में नहीं था, दिल्ली सल्तनत में नहीं था, डायमंड ऑफ बाबर ये बाबर ने रखा। उसके बाद जो नादिर शाह थे उन्होंने इसका नाम रखा कोहिनूर। ठीक है, तो नादिर शाह थे जिन्होंने इनका नाम रखा कोहिनूर, और कोहिनूर का मतलब था द माउंटेन ऑफ लाइट, तो ये हमें याद रखना है। आगे देखते हैं कि ये कितने कैरेट का हो सकता है, यहां मैंने मेंशन कर रखा है। अब कहां पे मिलेगा ये आपको अगर देखना है तो टावर ऑफ लंदन में, या फिर जब कोई लंदन में प्रिंस राजा बनता है तो महारानी एलिजाबेथ सेकंड के जो क्राउन है उस पे ये मिलता है। ठीक है, और कहां रखा है, टावर ऑफ लंदन में रखा हुआ है। ये निकला कहां से था, इंपॉर्टेंट बात, ये निकला कहां था, कहां से था, तो ये आंध्र प्रदेश के कोलर माइन थी जहां से ये निकला था। और जब ये निकला था तो दोस्तों इस ये था 739 कैरेट का, कितने कैरेट का, 739 कैरेट का। धीरे धीरे इसकी काट पीट करके और अब जो इसकी अगर देखा जाए, इसके वेट के बारे में देखा जाए तो ये है 105.6 कैरेट का। तो कोहिनूर हीरे से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि आप देखोगे द हिंदू में भी यही सारी बातें हैं और इंग्लैंड के न्यूज़पेपर्स में ज्यादातर किसी बातें के बारे में कहा गया है। और ये बात आप सोचोगे कि मैंने क्यों उठाई है, क्योंकि कोई दूसरी कंट्री, एक इंग्लैंड भारत पे एक ब्लेम लगा रहा है कि हम उनसे ये हीरा मांग रहे हैं, हम उनसे अपनी जो हमारी जो सारी चीजें चुरा के ले गए थे, मतलब छीन के ले गए थे हमारे भारत देश से और अपने देश में जाके सजा दिए हैं। और ऐसा ही नहीं है, भारत नहीं और भी अन्य देशों से लिए थी, तो उन्होंने, हम लोगों ने या उन लोगों ने भी कई बार मांग की है लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। तो ऐसी कोई वंशा नहीं है हमारे भारत की कि अब हम दोबारा से उस कोहिनूर हीरे को मांगे, जबकि जानते हैं आप सभी को पता है कि कोहिनूर हीरे का इतिहास बहुत गंदा रहा है, क्योंकि ये हीरा सभी के लिए एक श्राप की तरह रहा है। जिस भी डायनेस्टी के पास ये हीरा गया है वो डायनेस्टी हमेशा पतन में गई है। 1850 में जब अंग्रेजों के पास ये हीरा पहुंचा तो अंग्रेज भी पतन में हो गए। ठीक है, तो इस हीरे की वजह से ये, इसको एक श्रापित हीरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि डायमंड ऑफ बाबर बाबर ने रखा, कोहिनूर नादिर शाह ने रखा, कोहिनूर का मतलब है द माउंटेन ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, लास्ट जो रूलर थे महाराजा रणजीत, राजा रणजीत सिंह जी जो पंजाब के थे उनके पास था। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं आगे क्या है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर किसमें, ग्रैंड मास्टर किसमें बने हैं, ये चेस में, कौन बने हैं, विपला परनीत, कहां के हैं, तेलंगाना के बने हैं। तो 82वें कौन बने हैं ग्रैंड मास्टर, विपला परनीत, तेलंगाना के हैं। और जो अगर कहा जाए कि भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद, तो ये हमें पता होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपका। अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है कि अफगानिस्तान में 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देखा गया, जो 2023 की रिपोर्ट जो सर्वे किए गए हैं प्रत्येक देश के, तो उसमें देखा गया है कि पोलियो से सिर्फ अफगानिस्तान में ही मौत हुई है एक, वरना और किसी देश में 2023 में पोलियो से मौत नहीं हुई। क्वेश्चन उठ सकता है कि किस देश में पोलियो के कारण अभी 2023 में मृत्यु हुई है, तो 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पोलियो से बहुत ही कम मौतें होती हैं। देखा गया है भारत में पहले पोलियो से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, विश्व में प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे ही पोलियो की दो बूंद अभी आपने देखा होगा चलती हैं, गांवों में भी जाते हैं, शहरों में भी जाते हैं, तो
ज्यादातर का आपने देखा होगा कि हाथ पैर ये काम नहीं करते है ना, लेकिन मौत नहीं देखी। तो अफगानिस्तान में जो 2023 की रिपोर्ट है उसमें मौत हुई है पोलियो से। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इजराइल सरकार ने तेल अविव में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इजराइल में एक जगह है, एक स्टेट है तेल अविव, तेल अविव में एक स्ट्रीट है जिसका नाम क्या रखा है, टैगोर। टैगोर कौन? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे इन्होंने अपने एक स्ट्रीट का नाम रखा है। किस राज्य है, कौन सा राज्य है, तेल अविव, और कहां का है, इजराइल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है, क्योंकि आपको पता है एक भारतीय का नाम एक अदर देश के स्ट्रीट का रखा जाता है। तो इसको जरा ध्यान रखना कि इजराइल का एक राज्य है और जिसमें एक स्ट्रीट है उसका नाम रखा गया है टैगोर। इजराइल की राजधानी की बात करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन उठ सकता है, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इसकी संसद जरूर पूछी जाती है, इजराइल की संसद ज्यादातर क्वेश्चन में देखे गए हैं, तो संसद के बारे में कई बार पूछा गया है। इजराइल की संसद है नेसेट, नेसेट, और यहां के राष्ट्रपति हैं रेवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा, अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, अच्छा ये फिर दोबारा से इसमें हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट, चलिए दोस्तों यहीं पे हमारे सारे पॉइंट्स खत्म होते हैं, और ये जितने भी पॉइंट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि क्या मैं पॉइंट्स के द्वारा ही आप लोगों को पढ़ाऊं, या फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आऊं, कि क्वेश्चन लेके उसके चार ऑप्शन लिख के लेके आऊं। देखो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ज्यादा पढ़ पाओगे, ठीक है, ज्यादा आप नॉलेज गेन कर पाओगे। इसको आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, कान में लीड लगाकर आराम से सुन के भी इसको आप याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।